हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं मोहम्मद फारूक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइबर की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे गुज़िश्ता 4-5 वीडियोस में हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपने लियाकताबाद का नाम तो बहुत सुना होगा, कराची में कोई भी रहने वाला उसने लियाकताबाद का नाम तो सुना होगा, और लियाकताबाद से हर कोई शख्स वाकई जैसे लालू खेत भी कहते हैं। तो कराची की सबसे पुरानी आबादियों में से एक आबादी लालू खेत लियाकताबाद है। तो आज हम उसी किस्म की आबादी का एक व्यू करने वाले हैं, और आज हम दिखा रहे हैं आपको सरजानी का लियाकताबाद। सरजानी का लियाकताबाद दिखा रहे हैं कि सरजानी में लियाकताबाद कहाँ है, और सरजानी का लियाकताबाद किसे कहते हैं, सरजानी का लालू खेत किसे कहते हैं। तो ये भी सरजानी की सबसे कदीम सोसाइटियों में से, सबसे कदीम आबादी में से एक आबादी है जहाँ हम आपको विजिट करा रहे हैं। और ये देखें, अगर आप 4 के चुरंगी से सीधा यहाँ से आते हैं, यकीन बस का आखिरी स्टॉप है, यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा जिस पर लिखा हुआ कमिंग सून पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट KDA। ये KDA का प्रोजेक्ट यहाँ बनना था, जो अभी ज़ेर अल्तवा है, ज़ेर अल्तवा का शिकार है। तो यहाँ से सीधा आएंगे तो हम आपको विजिट कराते हैं कराची के लियाकताबाद की। जैसे कराची के लियाकताबाद में कुछ ख़ास बातें, और लियाकताबाद क्यों मशहूर है, लालू खेत क्यों मशहूर है, इस तरह सरजानी का लालू खेत ये क्यों मशहूर है, इसकी भी हम आपको वजूहत बताएंगे और आगे बताएंगे कि ये किस तरह का इलाका है, यहाँ कैसी कटिंग है, कितने प्राइस के अंदर यहाँ मकान मिल जाएगा, कितने प्राइस के अंदर यहाँ प्लॉट मिल जाएगा, यहाँ आबादी कैसी है, मार्केट कैसी है, यहाँ हॉस्पिटल्स कैसे हैं, ये सब इंशाल्लाह आपको विजिट कराएंगे। हमारे साथ वीडियो पर आगे बने रहिएगा और इंशाल्लाह आपको ये पूरी वीडियो बड़ा मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने आपको बताया कि लियाकताबाद की खास बात यह है कि लियाकताबाद की पहली खास बात यह है कि लियाकताबाद की जो एंट्रेंस है तो कई इलाकों से होती है। तो इस तरह इस इलाके की खास बात यह है कि इस इलाके की एंट्रेंस भी कई इलाकों से होती है। तो आप इस इलाके में, यानी इस इलाके का नाम क्या, पहले तो हम आपको बताएंगे आगे चल के, इस इलाके की एंट्रेंस भी कई जगह से हो सकती है। यानी आप सरजानी सेक्टर 6 की तरफ से अगर आप इंटर करना चाहें, यानी सरजानी थाना वहाँ से एंटर हो सकते हैं, अब्दुल्ला चौक से एंटर होना चाहें अब्दुल्ला चौक से एंटर हो सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप इंटर होना चाहें 70 से एंटर हो सकते हैं। तो कई सारे एंट्रेंस हैं। और ये देखें, ये है इनका आई हॉस्पिटल, POBI हॉस्पिटल, ये बनता है नया हॉस्पिटल। तो इस इलाके के अंदर मसाजिद भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं छोटे मोटे। उसके अलावा इस इलाके के अंदर स्कूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, हम स्कूल्स का भी आपको विजिट कराते हैं। और ऐसा नहीं कि लोकल स्कूल्स हों, नामी ग्रामी स्कूल्स हैं तो उसका भी हम आपको विजिट कराते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले इस इलाके का नाम क्या है, इस इलाके का नाम है 7A। तो जिस इलाके का हम विजिट करा रहे हैं आपको, उसका नाम है 7A। मैं बाइक पर आपको विजिट करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, जैसे लियाकताबाद बहुत बड़ा इलाका है, इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा इलाका है। तो मैं आपको बाइक पर विजिट करा सकता हूँ, इस इलाके का पूरा व्लॉग बना सकता हूँ, पैदल तो मेरे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो हम इस इलाके में एंटर हो रहे हैं। सरजानी थाना आपको मेरे सामने दिखा हुआ है येलो कलर की बिल्डिंग में। ठीक है, ये अगर आप थोड़ा सा मैं दिखाऊँगा सरजानी थाना को, मैं सामने येलो कलर की बिल्डिंग में, सरजानी थाने के बिल्कुल सामने वाले एंट्रेंस हमने एंटर हुए हैं इसके अंदर। और इस इलाके के अंदर देखें, ये तो शुरू में कुछ प्लाट्स अवेलेबल हैं, और ये 200 गज़ के प्लाट्स हैं, और ये SB कहते हैं बेसिकली हमने, तो ये SB अवेलेबल है। और इन्हीं SB में ज़्यादा कमर्शियल काम इन्हीं SB में हो रहा है, तो ये SB से देखिए, जैसे कि ये बना हुआ है, ये भी एक स्कूल था किसी ज़माने में, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है, स्कूल ये वाला, ये स्कूल था किसी ज़माने में। ठीक है जी, तो कोविड से पहले था, कोविड के बाद अब ये ख़त्म हो चुका है। तो इस इलाके में हम इंटर तो अभी बाहर के बाहर ही है, ये सर्विस रोड चल रहा है, डबल रोड है, सर्विस रोड है ये। और ये देखिए अजीज मॉल बना, ये जिसका जो अजीज वालों का जो फ्लैट्स और मॉल था, मोबाइल मॉल ये बन रहा है, ये दी चाइल्ड्स वाले बना रहे हैं मॉल वगैरह, इसकी भी इंशाल्लाह हम आपको पूरी डिटेल देते हैं, तफसील देते हैं कि किस तरह बना रहे हैं। तो ये है इस इलाके के अंदर, इस इलाके की खास बात ये है कि इस इलाके के अंदर जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स बना रहे हैं, और यहाँ पे इलाके में काम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स आ चुके हैं, क्योंकि बहुत पुरानी आबादी है। देखिए, एक स्कूल ये रहा क्रिसेंट कैम स्कूल, और एक ये रहा रुशदी अकेडमी। तो ये अच्छे खासे बड़े स्कूल से जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, और अब मैं ज़रा बाइक यहाँ से मोड़ लेता हूँ अपनी। ये देखिए बड़े स्कूल से और बड़ी अच्छी कैटेगरी के अंदर बने हैं, और ये सामने अजीज मोबाइल मॉल का, ये देखिए बड़े स्कूल से और बड़ी अच्छी कैटेगरी के अंदर बने हैं, और ये सामने अजीज मोबाइल मॉल का सब बना हुआ है। अच्छा जी, इस इलाके की खास बात ये है कि ये इलाका जो है, मैं इसे मिनी लियाकताबाद इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर आबादी और कैटेगरी तकरीबन सेम लियाकताबाद जैसी है। तो अगर आप ये देखें मेरे सीधा की तरफ, तो ये 84 यार्ड्स के मकान बने हुए 84 गज़ के जी। ठीक है,
84 गज के मकान बने हुए और ये देखें ये सब 84 गज के मकान बने हुए यहाँ पर और यहाँ पर 65 गज के मकान यानी छोटे मकान 65 गज के मकान भी हैं। यहाँ पर मैं एंटर जब हूँ तो आप देखेंगे गलियों में ये 65 गज के मकान भी शामिल हैं। तो लोगों ने 65 गज डबल मकान लेके तो 130 गज के मकान बनाए हुए लोगों ने, दो जोड़ियाँ ली हुई माना यहाँ पर 65 गज के मकान के देखेंगे 65 गज के मकान है सारे सारे बने हुए। ठीक है जी, अब इस इलाके की ख़ास बात यह है कि भाई ये इस इलाके में पार्क्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, मस्जिद भी हैं और इसके अलावा इस इलाके के अंदर जो हैं छोटी कैटेगरी के प्लॉट्स भी यानी 65 गज़ के, बड़ी कैटेगरी के प्लॉट्स भी यानी 84 गज़ के और कुछ लोगों ने डबल प्लॉट करके बनाया हुआ है 130 गज़, वो भी यहाँ पे सेल आउट के लिए हैं। अच्छा जी, इस इलाके की दूसरी ख़ास बात यह है कि इधर मार्केट अवेलेबल है, इस इलाके की अपनी मार्केट है, जैसे लियाकताबाद की अपनी मार्केट है, अगर आप सुपर मार्केट का नाम सुनाओ तो लियाकताबाद की अपनी मार्केट है जिसमें तमाम चीज़ें मिल जाती है, गोश्त कपड़ा सारा सारा सामान मिल जाता है। तो इसी तरह इस इलाके की अपनी एक मार्केट है जिसे हम 7A की मार्केट कहते हैं और यहाँ भी तकरीबन तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि अभी हम विजिट सुबह सवेरे कर रहे हैं और क्योंकि वरना मार्केट से गुजरना, ये सब मार्केट की जगह है, देखें आप दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है जब मार्केट खुल जाती है, तो इसलिए मैंने सुबह सवेरे का इंतखाब किया कि सुबह सवेरे में ज़रा यहाँ से लेकर सफाइयाँ चल रही हैं, सुबह सवेरे का इंतखाब किया मैंने, सुबह सवेरे हम यहाँ से गुजर जाएंगे तो हमारी वीडियो बन जाएगी। ये है जी, देखें आप पूरी 7A की मार्केट की गली है पूरी, क्योंकि अभी ये मार्केट बंद है, अभी सुबह का टाइम है, हम सुबह यहाँ से गुजर रहे हैं तो इसलिए ये मार्केट पूरी बंद है, वरना ये लियाकताबाद से सिमिलर बात ख़ास बात है कि दस की अपनी एक मार्केट है, यहाँ पे गोश्त भी मिल जाएगा आपको, कपड़ा भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको, चप्पलें भी मिल जाएंगी, मतलब हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, एक कंप्लीट मुकम्मल मार्केट है ये। तो ये देखें माशाल्लाह, अच्छा गोश्त वाले तो आके बैठना भी स्टार्ट हो गए, गोश्त वाले जो गोश्त वाले भाई साहब हैं उनके तब सुबह ही उनका गोश्त लगना स्टार्ट हो जाता, तो आप देखें ये गोश्त हमारे जो भाई हैं वो गोश्त आगे आके बैठना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 7A की एक छोटी सी मार्केट है जिससे मैं कहूँगा कि छोटी इलाके के हिसाब से अच्छी मार्केट है और इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये डेवलप भी हो रही है मार्केट। अच्छा जी, दूसरा ये